अगर आप सोचो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, दोस्तों सॉरी, आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसी मेहनत दुनिया में, मतलब खासकर यूपी के एग्जाम, जो यूपी पीसीएस के एग्जाम की बात करते हैं, तो 30-40 हजार लोग आपकी तरह ही मेहनत कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टोटल लगभग 7 लाख लोग होते हैं जो कि फॉर्म भरते हैं, 7 लाख लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग आधे लोग तो कभी एग्जाम देने आते ही नहीं है। आप जब प्री का देने जाओगे तो 50% जो लोग हैं कभी एग्जाम देने आएंगे नहीं। तो समझिए कि लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्री का पेपर दिया, प्री एग्जाम गिवन, ठीक है, प्री एग्जाम उन्होंने गिवन अटेंड किया, जिसमें से अगर एक मोटा मोटा जो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं देखा है, मुझे लगता है कि लगभग 30 हजार से लेकर 40 हजार लोग ऐसे हैं जो थोड़े से सीरियस हैं। क्या है? सीरियस है। ये जो लोग हैं, ये आपके ऐसे लोग हैं जो कोचिंग पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 6-7 घंटा मेहनत कर रहे हैं। 30-40 हजार लोग जो है मेहनत कर रहे होते हैं। तो जो आप ये कहते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, 5-6 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं और बहुत अनोखा काम कर रहे हैं, नहीं भाई, ये 30-40 हजार लोग भी आप ही की तरह ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे सफल होगे और बाकी क्यों असफल हो जाए, मतलब हो जाएंगे या होना चाहिए, या आप उनसे कैसे आगे निकल जाओगे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 30 हजार से 40 हजार लोग एक टाइम पे मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद जो ये प्री का एग्जाम देंगे, इसमें तो मान लीजिए वैसे 13 टाइम्स या 15 टाइम्स हम लोग कॉल करते हैं, तो लगभग सीट्स अगर 500 सीट आई हैं पीसीएस में, 500 वैकेंसीज हैं, तो उसको 15 से गुना कर देंगे अगर, तो आपका हो गया कि 15 लगभग 7,500 लोग आपका मेंस देंगे। कौन देगा? ये मेंस देंगे, 7,500 लोग आपका मेंस लिखेंगे, और उसमें आपका अगर 3 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं तो 1500 लोग जो हैं ये आपका देंगे इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें से आपके अंत में 500 लोग फाइनल सिलेक्शन आपका होता है, सिलेक्शन होगा इनका। अब आपको 7 लाख लोगों में से इन 500 लोगों के अंदर आना है, और ये एक उसका टाइम टेबल है कि 500 लोगों में आना है, 7 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 500 लोगों में आना है। तो पहले तो 3 लाख लोग जो होते हैं वो एग्जाम देते ही रहते हैं, तो उसमें तो आप आ ही जाओगे। पहले पहला आपको कोशिश करनी है कि 30 हजार से 40 हजार लोगों में आओ, जहां पे आप सिंसियर अपने को कह सको कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर रहे हैं, 5-6 घंटा रोज पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ है, तो इसमें आना है। फिर आपको जब प्री निकालेंगे तो 7-7.5 हजार लोगों में आना, जब आप मेंस जो लोग लिखेंगे, और उसके बाद 1500 लोगों में आना है, उसके बाद आपको 500 लोगों में आना है। तो ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फनल है, ये क्या है? ये फनल है, एक तरह का जो सफलता का जो है फनल कहते हैं इसको मैं। तो अब जब ऐसा होता है सिस्टम, जब ऐसा सिस्टम है, जब हाईली कॉम्पिटिशन है, तो उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें, ये एक मैटर करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप हार्डवर्क क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि दो ही फैक्टर आपकी सफलता, सक्सेस जो है आपकी सक्सेस पे दो ही फैक्टर डिपेंड करेंगे कि आपकी, आपने स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो की, आपने स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो की, और आपका डिटर्मिनेशन कितना है, डिटर्मिनेशन कितना है, इच्छा शक्ति, विल पावर। हजारों लोग हर साल एग्जाम देते हैं, बनते कितने? 500। क्या 500 लोग क्या सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं? नहीं, 500 लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा डिटरमाइंड लोग होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा डिटरमाइंड, सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं ये, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और लगातार फॉलो करते हैं, जिससे अंत में वो सफल हो ही जाते हैं।